मोहन यादव, इसीलिए भी दिलचस्पी और भी बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश की जनता में। बिल्कुल, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां वो तो है ही, लेकिन न्यूज 18 भी पूरी तैयारी के साथ आज आया है। दोनों ही राज्यों को लेकर नजर रहेगी, ना सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर बल्कि छत्तीसगढ़ को लेकर भी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में हलचल होगी सीधे आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बड़ी बात यह है कि मंत्रियों को लेकर कुछ कयास हैं, इस पर भी नजर, आज कौन कौन शामिल हो रहा है इस पर भी नजर, क्योंकि बीजेपी लगातार ये चाहती रही है कि जो चेहरे उन्होंने चुने हैं उनका एक्सेप्टेंस जनता में हो, और इसी के लिए पूरी भव्यता के साथ कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की तैयारी। जनता भी आज बहुत बड़ी संख्या में पहुंचने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी तरफ से भी पहले ही आमंत्रित कर दिया गया था कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, आपको पहुंचना है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम राज तिलक के दौरान जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम सिलसिलेवार उनकी तरफ से रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, करीब 11:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री। 11:30 से 12:30 तक वो समारोह में शामिल होंगे, और दोपहर 1:25 पर वो रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 9:50 पर दिल्ली से रवाना होंगे पीएम, और 11 बजे वो भोपाल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। ये प्रचंड जीत है, और इस प्रचंड जीत के बाद जो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया उसका श्रेय आज हर कोई प्रधानमंत्री को दे रहा है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही हम कह सकते एक तरह से पूरा चुनाव लड़ने का श्रेय तमाम विधायक और नेताओं को देते हुए देखा गया। और प्रधानमंत्री आज इस खास दिन शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में, इस पूरे समारोह को और भी ज्यादा खास बनाने की कोशिश होगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो नेता भी पहुंचेंगे जिन्होंने प्रचार प्रसार किया था, भले ही वो देवेंद्र फडणवीस हो, योगी आदित्यनाथ हो, आज कौन कौन आएगा ये अभी देखना बाकी है। निश्चित ही, और जब जब अंशिका प्रधानमंत्री पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में, जनता तो भरपूर स्वागत करती है, लेकिन नेताओं कार्यकर्ताओं में गजब की ऊर्जा होती है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ शुरुआत में इस ऊर्जा की जरूरत भी खूब पड़ने वाली है, क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों को लेकर भी तो नजरें रहेगी, और कौन 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 सा प्रभार संभालने वाला है, किसे कौन सी जिम्मेदारी मिल रही है, ये भी देखने वाली बात। प्रधानमंत्री के पहुंचने का भी इंतजार, अमित शाह, जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत की भी भव्य तैयारी। प्रशांत कटारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज बड़ा दिन है, और आज इस बड़े दिन कई बड़े चेहरे बीजेपी के मध्य प्रदेश में ही होंगे, क्या हलचल है, क्या तैयारियां हैं आज वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, हम इस वक्त डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे राजेंद्र शुक्ला के आवास के बाहर हैं। हालांकि यहां भी हलचल शुरू नहीं है, सुबह का वक्त है, माना जा रहा है कि लगभग 9 बजे तक यहां पर गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। राजेंद्र शुक्ला विंद से आते हैं, और विंद का बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है, और बंपर समर्थन बीजेपी को विंद से मिला था, पिछली बार भी बंपर समर्थन मिला था 2018 में, और इस बार एक सीट और बढ़ गई है, जो कांग्रेस आशा कर रही थी कि विंद से उसे कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन मिला नहीं, और इसलिए ये बड़ा प्रतिनिधित्व विंद से राजेंद्र शुक्ला के तौर पर बीजेपी ने दिया है, डिप्टी सीएम उन्हें बनाया है। आज वो शपथ लेंगे, जिसका जिक्र आप कर रही थी, अंशिका भी कर रही थी, माफ कीजिएगा, अवंतिका भी कर रही थी, कि भव्य बनाया जा बीजेपी बना देती है, तो दरअसल बीजेपी को किसी भी आयोजन को, छोटे आयोजन को भी भव्य बनाने की एक्सपर्टीज हासिल है या महारत हासिल है। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं तो वो आयोजन अपने आप में भव्य हो जाता है, और इसीलिए एक दिन का समय मिला था, 11 तारीख को अनाउंस हुआ कि भाई सीएम कौन होगा, दो डिप्टी सीएम कौन होंगे, एक दिन के अंदर ही आप देखें कि इतना बड़ा आयोजन जिसमें न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ खड़से से लेकर तमाम दूसरे बड़े नेता, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर जो नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को भी यहां बुलाया गया, और सभी पहुंचने भी वाले हैं। आयोजन बहुत भव्य होने जा रहा है, एक दिन का समय मिला है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में तमाम तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी, रात को जायजा भी ले लिया गया था अंशिका, और आप ये मानकर चलिए कि वाकई बहुत भव्य होने जा रहा है। बिल्कुल नई
पीढ़ी, अगली जो जो पीढ़ी है या कहें कि उसे डेवलप करने की कोशिश के तौर पर मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मोहन यादव को खुद पता नहीं था कि भाई उन्हें ये पद मिलने जा रहा है। लेकिन दूसरा अगर हम जिक्र करें कि दो डिप्टी सीएम बनाकर उन्हें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, दो बड़े वर्गों को साधने की कोशिश हुई है। हालांकि ब्राह्मण का वोट जरूर मध्य प्रदेश में कम है, लेकिन ब्राह्मण वोट माइंड सेट करता है, बहुत सारी जातियों का माइंड सेट करता है, ट्रेंड सेट करता है चीजों को। ये समीकरण भी प्रशांत, और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि चूंकि मोहन यादव भले ही आप राजनीति में खोजने की कोशिश करें या बड़े स्तर पर खोजने की कोशिश करें तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है। अलग अलग कैबिनेट मंत्री जो चुने जाएंगे, आप ये अंदाजे के साथ क्या कह सकते हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो अच्छी खासी बहुमत हासिल की है उसे प्रायोरिटी दी जानी है? आपने मोहन यादव का जिक्र किया, 1984 से उनकी सियासत की शुरुआत हुई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो महत्वपूर्ण सदस्य रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, इसके बाद संघ से उनका लंबे समय तक नाता रहा। सबसे पहले उन्हें 2003 में एक बार टिकट दिया गया था, और लेकिन कोई दूसरा एक जो बीजेपी का उम्मीदवार था उसने दावा किया, इनका विरोध किया, तो इन्होंने टिकट लौटा दिया था। इनके स्वभाव को लेकर तब से कहें नेताओं के ये प्रिय रहे हैं, और आखिरकार फिर इन्हें 2013 में पहली बार टिकट दिया गया। 2013 में ये जीते, 2018 में जब जीत कर आए दोबारा, फिर 2018 में सरकार नहीं बनी, 2020 में सरकार बनी, जब तख्ता पलट या हम कहें कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की आई, तब इन्हें हायर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर इनके काम को देखेंगे तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसे सबसे पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व में ही लागू किया गया था। दो तीन बातें अगर आप चूंकि मोहन यादव का जिक्र कर रहे हैं तो उस लिहाज से जरूर ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ प्रशांत। अजय पटवा की ओर भी लिए चलते हैं आपको, क्योंकि अजय पटवा उज्जैन में मौजूद हैं, और उज्जैन का जिक्र चूंकि प्रशांत भी कर रहे थे, वहीं से आते हैं मोहन यादव, वहां की जनता में कितना उत्साह अजय? जी देखिए, कल जो है मोहन यादव के जो परिवार वाले हैं वो कल रात को ही जो है शपथ विधि समारोह के लिए निकल चुके थे, और यहाँ पर घर के पर जो है सन्नाटा छाया हुआ है। फिलहाल जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं और उनके जो करीबी हैं वो लोग भोपाल जाने की तैयारी में बड़े उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही तैयारी में हैं, और इनका यही मानना है कि हमारे लिए तो बहुत गौरवान्वित वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से 51 साल बाद जो है मुख्यमंत्री उज्जैन को दोबारा मिला है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ में लोग हैं उनसे बात करते हैं। आज आप शपथ विधि समारोह में जा रहे हैं भाई साहब, आज हमारे उज्जैन वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लोकप्रिय विधायक दक्षिण से श्री मोहन जी यादव आज भावी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, और हमारे गौरव के लिए उज्जैन महाकाल बाबा का उन पर आशीर्वाद बना रहे। आज वो 51 साल बाद हमको उज्जैन दक्षिण से हमारे नए मुख्यमंत्री, उज्जैन दक्षिण से विधानसभा चुनाव जीता था मोहन यादव ने।